वेल हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एम्पायर से। सो आज की वीडियो में एवेंजर्स का इशू कवर करने वाले हम। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ, एवेंजर्स फैंटास्टिक फोर एम्पायर अपनी मेन स्टोरी लाइन है और एम्पायर एवेंजर्स एम्पायर फैंटास्टिक फोर ये दोनों साइड स्टोरीज यानी कि टाइम्स हैं। तो इन दोनों को आप मैच ना कीजिए तो ही सही रहेगा, क्योंकि मैं फैंटास्टिक फोर एवेंजर्स की मेन स्टोरी को बहुत स्पीड में कवर कर दिया हूँ और इनकी साइड स्टोरीज को मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। और अभी मैंने मेन स्टोरीज को लगभग पूरा एंड कर दिया जितने भी इशूज आए हैं, तो मैं साइड स्टोरीज को बहुत स्पीड में कवर कर रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। बजो पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर कोटैस अपना कहर बरसा रहे होते हैं। साउथ ऑफ कैंटोडियम में वकांडन सीक्रेट पुलिस उनसे लड़ रही होती है। वॉरियर्स 3 लिटिल एक्सगार्ड को कोटैस के इन्वेजन से बचा रहे होते हैं और वहीं कैप्टन अमेरिका और अमेरिकन आर्म फोर्सेस वॉशिंगटन डीसी को बचा रही होती है। और इन सब पर नज़र रखे हुए था अवेंजर्स और एजेंट ऑफ वकांडा के लीडर ब्लैक पैंथर। और ब्लैक पैंथर कोटैस के प्लान को लेकर के कुछ थ्योरीज बना रहे होते हैं कि ये पूरे पूरे अर्थ पर अपने सोल्जर्स को टेस्ट कर रहे हैं, शायद कि आखिर वकांडा के डिफेंसेस रिसोर्सेस और अवेंजर्स की कितनी पावर है, और इसीलिए शायद इन्होंने अभी तक वकांडा पर हमला नहीं किया है। यह मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एम्पायर 3 के पहले की स्टोरी है। सो प्लीज़ कंटिन्यू करते हैं। अभी तो वकांडा की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज इतने ज़्यादा वेरिएबल हैं कोटैस के लिए कि वो इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इनका कोई ना कोई प्लान है कि किस तरीके से हमें मेन बैटल में ला करके ख़त्म करना चाहते हैं। मैनहट्टन के सेंट्रल पार्क में लूक केज की टीम अभी भी उन प्लांट से लड़ रहे होते हैं जब वो यूनिट का लीडर विजन को अपने पास बुलाया रहता है बात करने के लिए। तो वो दोनों काफ़ी हद तक लड़ रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में एक जायंट कोटैस और विजन बाहर आते हैं। और लूक केज कहते हैं तो ये कोई जायंट कोटैस या ये कोई प्लांट मॉन्स्टर तो नहीं है। तब विजन आगे आकर के कहते हैं कि ये सैमुअल है, इसे प्लांट मैन के नाम से भी जाना जाता था, ये पहले एक ह्यूमन था क्या हुआ करता था। तभी डॉक्टर नेमेसिस और लूक केज उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और फिर वो प्लांट मैन कहता है उनसे, क्यों ना मैं तुम्हारी बॉडी को एक सील की तरह यूज़ करूँ तुम्हारे इस दोस्त के खिलाफ। और उसने लूक केज को अपने ऑर्गेनिक बेलों में बांध दिया था। तब विजन कहते हैं क्यों ना तुम अपने ये ऑर्गेनिक मैनिपुलेशन को रोक तबाही की जगह लोगों की मदद करने में यूज़ करो, प्लीज़ लूक को छोड़ दो और हम बातें करते हैं सैम्यूल। और इसके बाद प्लांट मैन और भी ज़्यादा भड़क जाता है और वो कहते हैं मुझे उस नाम से मत बोला, मेरा ह्यूमन पास्ट है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट मैन हूँ। अब कोटैस ने मुझे बताया मेरी ट्रू पोटेंशियल के बारे में, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या है असली पावर्स। ये देखो, ये है मेरे सोल्जर जो मरने के लिए तक तैयार हो चुके हैं, अब ये तुमसे लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ नोवाजोवा मैक्सिको में वंडर मैन अभी भी स्कल और क्री सोल्जर्स को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तभी क्री सोल्जर कहते हैं एक और कदम बढ़ाओ, मैं तेरी दोस्त को इतना ज़ोर से मारूंगा कि यहीं खून बहा देगी वो पूरा अपना। तब वंडर मैन कहता है ह्यूमन टेक्निकली करेक्ट है, पर क्या हम इसे डीह्यूमनाइजिंग करके सीमन बुला सकते हो तुम? तब वो स्कल कहते हैं ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है सीमन, हमारा मिशन है कोटैस को पूरी तरीके से यहाँ से डिस्ट्रॉय करना बिना किसी ह्यूमन को चोट पहुँचाए, लेकिन अगर वो हमारे रास्ते में आते हैं तो हम उन्हें भी मारने से पीछे नहीं हटेंगे। तब मॉकिंग बर्ड कहती है इतने बड़े गढ़े हो तुम, हम तुम्हारी साइड है, हम तुम्हारे एनिमी नहीं है, आज तो नहीं है। फिर वो स्कल कहते हैं स्कल मरना पसंद करेंगे तुम जैसे ह्यूमंस की मदद लेने के बजाय। तभी वंडर मैन कहता है ठीक है, पर क्री का क्या, तुमने तो उनके साथ उतनी पुरानी दुश्मनी भुला करके उनके साथ अभी तुम काम कर रहे हो। तभी स्कल कहता है ये टेम्परेरी है, और जैसे ये वॉर खत्म होता है स्कल फिर से पूरे के पूरे गैलेक्सी पर अपना डोमिनेंस स्टार्ट कर देंगे। तभी वहाँ का क्री सोल्जर उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इस यूनिट को लीड करने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए।
और इसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सैवेज लैंड के एक अंडरग्राउंड कैवियन में ब्लैक नाइट उठता है और उसके पास कजार का बेटा भरा हुआ होता है और उससे वो बात करता है। पर तभी वो देखते हैं कि कोटायर, सवीना और मैन थिंग कजार को पकड़ करके टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी साना कहती है, ज़्यादा चिंता मत करिए, जल्दी ख़त्म होने वाला है। तभी कजार और साना का बेटा उसकी मॉम को रुकने को कहता है और वो आगे कहता है कि कोटायर तुम्हारे माइंड से खेल रहे हैं। और तभी कोटायर यूनिट का लीडर उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहा है, पर अब वो समझ चुकी है कि वो इस नेचर के पैटर्न का हिस्सा है और शायद वो आगे चल करके सेलेस्टियल मैडोना भी बन सकती है। तभी साना कजार से कहती है, देखो तुम कितनी ज़्यादा पेन में हो केविन, प्लीज़ हमारे साथ आ जाओ। और कजार मना कर देता है। इसके बाद वो उसे बहुत ज़्यादा दूर तक फेंकती है। साना आगे कहती है, वेंट्री और ये बाकी कोटायर ने मुझे वो सुंदर गैलेक्सी दिखाई है केविन, जो एनिमल्स से बिल्कुल मुफ्त है, ये बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह है। तभी कोटायर्स कहते हैं, ये मांस के बने हुए जीव कितने ज़्यादा परेशान करते हैं, एक बार हम इन्हें ख़त्म कर दें क्या वेंट्री? तभी वेंट्री कहते हैं, भूलो मत, स्क्विल जो कि हमारे इस पूरे पूरे ह्यूमन और कोटायर्स का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे लीडर हैं, वो भी ऐसे ही बने थे। तभी कोटायर फिर से कहता है, इनके मैजिशियंस बिल्कुल भी हिल नहीं सकते, इनके सारे के सारे वॉरियर्स हमारी कैद में हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हमारा अब? तभी साना फिर से कहती है, मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो, मैं तुम्हें मानना नहीं चाहती, ये बिल्कुल वेस्ट होगा। तभी कजार कहते हैं, साना प्लीज़ ये तुम नहीं हो। तभी मैथ्यू कहता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी ब्लैक नाइट कहता है, अगर मेरे पास कोई आइडिया होता तो मैं भी कर रहा होता। पर तभी वहाँ पर जेरिको आ जाता है और वो कहता है कि हमारे माइंड्स हमारे फिजिकल लिमिटेशन से कहीं ज़्यादा हैं और वो अपने एस्ट्रल फॉर्म के तौर पर वहाँ पर आ जाता है उनको पूरा प्लान बताने के लिए। और वो बताते हैं कि वांडा जब तक सहाने के माइंड को किसी तरीके से कोटायर के कंट्रोल से हटा रही होती है तब तक हम यहाँ पर से फ्री हो जाएंगे। और जब वांडा ये कर रही होती है तब सहाना कह रही होती है, मैं एक सैवेज मैन हूँ, सैवेज लैंड की केविन, अब तुम जानते हो कि मैं। और तब हम देखते हैं कि वांडा सहाना के माइंड के अंदर जा चुकी थी और वो उससे बात कर रही होती है। तभी साना उसे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वांडा कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आई हूँ। तब साना तैयार होकर के कहती है, मुझे यहाँ से छुड़ाने आई हो, तुम मुझे यहाँ डिस्टर्ब कर रही हो तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तभी वांडा उसे रोकने की कोशिश करती है पर उसे वो रोक नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ वुडो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर चुका था और वो मैन थिंग पर अपना कंट्रोल बना करके उन दोनों को वहाँ से छुड़ा दिया था। उसके बाद ब्लैक नाइट कोटायर्स पर हमला कर देता है। तभी वांडा कजार से कहती कि मैं साना को छुड़ा नहीं पा रही पर शायद तुम ये कर सकते हो। तब वो भी साना के माइंड में आ जाता है, उसे रुकने को कहता है। तभी साना कजार से कहती है, केविन ये एक प्राइवेट प्लेस है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तब कजार कहते हैं, मैं जानता हूँ पर मैं अभी भी तुम्हारे लिए और हमारे लिए तलीके दे दूँ। तब साना कहती, क्या सच में? तब वो फिर से कहती है, टचाला जैसे ही तुम्हें एक बार बुलाता है तुम चले जाते हो किसी और मिशन पर और मैं और मैथ्यू हमेशा यहाँ पर अकेले हो जाते हैं। यहाँ सैवेज लैंड में जो कुछ भी होता है, चाहे वो पेड़ का गिरना हो या किसी भी क्रीचर का मरना हो, ये सब कुछ मैं फील कर सकती हूँ, ये सब मेरे अंदर है। मैंने तुम्हें इसे बताने की कई बार कोशिश की पर तुमने मुझे कभी नहीं सुना। पर जब कोटायर यहाँ पर आए उन्होंने मुझे बताया कि इस पावर को किस तरीके से कंट्रोल करना है बिना अपने माइंड को लूज किए। तभी वांडा कहती है, उन्होंने तुम्हें ट्रिक किया है साना, कोटायर्स तुम्हारे दोस्त नहीं है ना ही हमारे, तो प्लीज़ उन्होंने तुम्हें इस तरीके से मजबूर किया कि तुम अपने हस्बैंड को मारने जा रही थी। मैथ्यू, ब्लैक नाइट और मैन थिंग जिसको उन्होंने कंट्रोल करा हुआ था वो बहुत ही अच्छे से प्लान से लड़ रहे होते हैं और इस बार पल्ला वह एजेंट ऑफ वकांडा की तरफ था और इस बार जीत रहे होते हैं क्योंकि इस बार मैन थिंग की पावर उनके साथ थी। वहीं दूसरी तरफ कजार सहाना से कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि इन चेंजेस से किस तरीके से डील करना है पर मैं डरा हुआ हूँ अब भी। तभी हम देखते हैं कि सहाना के बॉडी का कलर नॉर्मल हो रहा था और वो कह रही होती है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हूँ। तभी कजार सहाना के माइंड में कह रहा होता है, पर मैं गलत था सहाना, हमें हमेशा साथ रहना चाहिए, मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वो किस करने वाले होते हैं कि एक कोटायर सोल्जर उन दोनों की तरफ भागते हुए आ रहा होता है और वो कहता है, हाँ बस बहुत हो गया, तुम्हारे ह्यूमन डिजायर्स मुझे हमेशा परेशान कर देते हैं। और वो अपने शॉट का यूज करके कजार की छाती को चीर डालता है और वो कह रहा होता है, हाँ पर तुम्हारे फ्लैश अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। वेल गाइस, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और हाँ,
इसके बाद मैं एक्समैन की सीरीज को ख़त्म करने वाला हूँ। एक्समैन के तीनों पार्ट आ चुके हैं और एवेंजर्स का तीसरा पार्ट अभी तक नहीं आया है, तो इसका आंसर हम इसके बाद से द फैंटास्टिक फोर की स्टोरी पर उतर जाएंगे। वैसे एम्पायर का 60 आने वाला है कल, इस कारण से उसका इंतजार कीजिए। कल जैसे ही आ जाएगा तो मैं उसको कल या फिर परसों तक डाल दूँगा।